धनबाद के बरवड्डा स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति में प्रत्येक व्यवसायी वर्ग द्वारा झारखंड राज्य कृषि एवं उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 के विरोध में आम सभा किया गया। आम सभा कृषि बाजार चेंबर ऑफ कॉमर्स, जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स, राइस मिल, फ्लोर मिल, दाल मिल एसोसिएशन, खाद्यान्न फल सब्जी संघ के हजारों व्यवसायी शामिल हुए। धनबाद विधायक राज सिन्हा भी आमंत्रण पर पहुंचे। सरकार द्वारा पारित विधेयक का व्यवसायियों ने खुलकर विरोध किया। व्यवसायियों ने विधेयक को व्यवसायी तथा आमजनों के लिए अहितकर बताया, आम लोगों में महंगाई का बोझ बढ़ाने वाला विधेयक कहा। वहीं विधायक राज सिन्हा ने कहा कि धनबाद व्यवसायी एवं किसान, चाहे वो सब्जी फल विक्रेता हो, चाहे चैम्बर हो, पूरे सब लोगों में मिलकर के यह जो सरकार ने एक विधेयक पास किया है कि हम फिर से 2% टैक्स लगाएंगे बाजार समिति पे, उसके विरोध में यहाँ पे एक सभा बुलाई गई है। इसमें हम लोग को बुलाया गया, बुलाया तो सारे विधायकों को गया था लोगों के द्वारा, लेकिन मैं आया हूँ। और ये इस विधेयक का हम लोगों ने सदन में भी भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था। हमारे कई एक साथियों ने इसमें संशोधन लाया था और हम लोगों ने मांग किया था कि इसको कम से कम वापस नहीं तो प्रवर समिति में भेजा जाए, जिससे यहाँ के व्यवसायियों से, व्यापारियों से, किसानों से हम लोग विचार विमर्श करके उस पर निर्णय लें। लेकिन सरकार एक नहीं सुनी, और बहुमत में होने के कारण, हालांकि मैं जानता हूँ कि जब स्पीकर ने इसमें लोगों से जानना चाहा तो किसी ने ना हाँ बोला ना ना बोला, लेकिन इसको पास कर दिया गया। इससे नुकसान क्या होगा? नहीं, इससे काफ़ी नुकसान होगा ना। 2% टैक्स किसानों को लगा रहा है, सारे व्यापारियों को लग रहा है टैक्स। इस टैक्स को हम लोगों ने हटाया था, यह टैक्स लागू थी पहले से, लेकिन जब पिछली सरकार भाजपा की आई थी, रघुवर दास जी थे, तो हम लोग सारे लोग व्यापारी के साथ, हम लोग खास करके धनबाद के हम लोग विधायक सब मिल करके गए थे माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से हम लोगों ने आग्रह किया था। और इससे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है और मूल्यों के, वस्तुओं के मूल्य में भी वृद्धि हो रही है, तो उससे रघुवर दास जी ने इस निर्णय को वापस लिया था। लेकिन फिर यह सरकार जो निकम्मी सरकार है, किसी आम लोगों के दुख तकलीफ से मतलब नहीं है, यह जो झूठे जो महंगाई का रोना रो रही है, ऐसी सरकार के लोगों ने फिर से टैक्स लगा दिया जो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था किसानों के कर्ज माफी का, उसने वो तो काम किया नहीं। यहाँ के बेरोजगारों को 5 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000 देने का वादा किया था, उसको तो पूरा नहीं किया। लेकिन व्यापारियों पर, व्यवसायियों पर, फल छोटे छोटे व्यवसायियों पर, किसानों पर यह 2% जब टैक्स लगा देगी सरकार, तो इससे और उनको परेशानी होगी। एक तरफ तो किसान धान या उनका जो वस्तु है उसको औने पौने दाम में इस सरकार की गलत नीति के कारण, इससे अपने उत्पाद को वे औने पौने दाम में दलालों के बीच में बेचने को मजबूर हो रहे हैं। किसानों को धान का MSP नहीं मिल पा रहा, उनकी धान अभी प्राप्ति सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है, सारे परेशानी है, उनको बिजली नहीं मिल रहा, सुविधा नहीं मिल रहा। द्वारा 2% जो बाजार शुल्क लगाया गया है, इसके विरोध में पूरा जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है यहाँ एक सभा व्यवस्थित किया है। हम लोग इसका विरोध करेंगे और जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेती है बाजार शुल्क को, हम लोग अन्य जिलों से भी मिल करके राज्यव्यापी हड़ताल करनी होगी तो हम लोग राज्यव्यापी हड़ताल भी करेंगे। और पूरे झारखंड में जो है हम लोग इसके लिए जाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम लोग केंद्र सरकार का भी दरवाजा खटखटाएंगे। 2015 में भी बाजार शुल्क लागू किया गया था, उसमें भी जो बीजेपी सरकार थी उनको इस विधेयक को वापस लेना पड़ा था। तो मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि इस बिल को जो वो पास न करें, इसको वापस लें। इसके लिए चाहे व्यवसायी वर्ग को कुछ भी करना पड़े, वो पूरी ताकत के साथ आंदोलन करेगा। धन्यवाद।